नमस्कार दोस्तों, आज हम सानिध्य में हैं केएन गोविंदाचार्य जी के, जिनसे हम जब भी बात करते हैं तो कुछ ना कुछ हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है और कुछ ना कुछ हमें सीखने को भी मिलता है हमारे जीवन के बारे में। तो सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है गोविंदाचार्य जी। आचार्य जी, हम सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि कोरोना काल अभी भी काफ़ी समय से चला, एक तो हम आपके स्वास्थ्य के बारे में जानना चाहेंगे, कैसा रहा ये जो कोरोना का, किस तरह से आपने ये 6 महीने बिताए, और कोरोना में हमने एक चीज़ और भी देखी कि जो आज नेचर है वो भी अपने आप में कुछ कह रहा है, जो आसमान है उसका रंग, जो पंछी हैं, जो जानवर भी हैं सड़कों पर आए हैं। तो आप भी नेचर के बारे में काफ़ी कुछ हमें ज्ञान की बातें करते रहते हैं, तो इस बारे में हमें सबसे पहले कुछ बताइए। एक तो कोरोना काल में तो प्रारंभ में ही ये समझ में आ गया था कि अभी इसका इलाज नहीं है कोरोना का, सावधानी ही बचाव है। और सावधानी में तो इतनी बातें शासन प्रशासन की ओर से बार बार दोहराई गई है, भैया मास्क पहनो, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करो और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करो, ये जितना बचाव के लिए उपयोगी होता तो और कुछ है नहीं। हाँ, आयुर्वेद और कई क्षेत्रों में काढ़े हैं, काढ़ा का उपयोग बहुत अच्छा होगा, इम्यूनिटी वर्धक भी रहेगा और साथ में काढ़ा के द्वारा इलाज भी संभव है, ऐसा आयुर्वेदज्ञों का अनुभव है। ये भी एक पहलू इस कोरोना काल में ध्यान में आया। एलोपैथी और बाकी लोगों ने तो हाथ खड़े कर दिए, और कुछ वेंटिलेटर्स, कुछ लाइफ सपोर्ट सिस्टम, कुछ ऑक्सीजन, कुछ ऑक्सीमीटर और टेस्टिंग किट, ये उनके काम आया। लेकिन समझ में आता है कि उसमें सावधानी सबके लिए उपाय है, इसलिए इसकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। स्वयं बहुत बलशाली हों तो भी सावधानी रखे तो अच्छा है। अच्छा जी, इस कोरोना काल में हमने देखा कि किसानों का काफ़ी योगदान रहा, एक सेक्टर जो जो नहीं बंद हुआ था वो एग्रीकल्चरल सेक्टर था, और एक और आप भी इस पे काफ़ी जोर देते हैं। अभी तो और एक फैक्टर हुआ है, अब तो जानकार लोग कहने लगे हैं कि इस कोरोना काल में GDP में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन और वृद्धि अगर की है तो एग्रीकल्चर सेक्टर ने की है, ये भी अब सामने आया है, अभी कल परसों ही हम देख रहे थे। और ये स्वाभाविक है, इसमें कृषि और रिलेटेड एक्टिविटीज़ ऐसे आपातकाल में तो निश्चित रूप से निर्णायक रूप से काम आएंगी, ये सबका अनुभव है, भारत का भी है। आचार्य जी, आप इस कोरोना काल में एक समस्या भी उभर कर आई है, आप समय समय पर लोगों की समस्याओं के बारे में सरकार को भी ज्ञान देते रहते हैं, जिस तरह से अब जो नौकरियां जा रही हैं युवाओं की, और जिस तरह से प्राइवेट कंपनियां, और जैसे सरकार ने कहा भी था कि कोई वेतन ना काटे, लेकिन उसका कोई मतलब कुछ उस पर सरकार ने और कंपनियों ने भी कुछ नहीं किया, उस पर क्या कहेंगे आप? इसमें तो हमको अनुभव आता है कि देखिए, समाज सबसे बड़ी ताकत है, सत्ता से भी बड़ी समाज की ताकत है, ये इस कोरोना काल ने अनुभव कराया है। समाज और पारस्परिकता ने जो एक दूसरे की अभाव में भी गरीबी बांट लेने में भी मदद की, ये विशेष इस हिसाब में सोचने लायक है। ऐसे बहुत से अनुभव आए जिसमें ग्रामीण क्षेत्र में, यहाँ से आप्रवासी मजदूर भी देखिए गांव जो गए हैं, वो गांव तो इसी भरोसे गए हैं कि यहाँ फेसलेस होकर जीना पड़ रहा है, सरकार के भरोसे रहना पड़ रहा है, गांव में अपने लोग हैं, कुछ भी होगा तो भूखे नहीं मरेंगे, इस भरोसे से वो लोग गए हैं। तो अभी भी वो गांव की पारस्परिकता जिंदा है, कि अभी भी गांव में रहे हमारे मित्रों ने अनुभव बताए हैं कई तरह के, जिसमें समझ में आया कि इसके बाद भी, जैसे अभी एक छोटा उदाहरण बताता हूँ कि मजदूर था हमारे पवन जी के गाँव का, और वो एक बार आया और पवन जी से कहता है हमको खाना दे दीजिए, उसको जानते थे, वो कुछ उसी मोहल्ले में दूसरे घर में काम करता था, राजमिस्त्री और मजदूरी का काम। तो उन्होंने कहा नहीं खाओ ना, बैठो खिलाएंगे, लेकिन एक बात बताओ ना, तुम तो कहाँ वहाँ काम करते हो ना, कहा हाँ वहाँ काम करते हैं। कहा तो वहाँ खाना क्यों नहीं मांगा, क्या वो देते नहीं? अब उसने जो जवाब दिया वो भारतीय मानस का परिचायक है। मजदूर ने कहा ना बाबूजी, वहाँ हम खट के कमाए हैं तब खाए हैं, अब हाथ पसारते अच्छा नहीं लगता वहाँ, इसलिए आपके पास आए हैं कि हमको खिला दीजिए, आपसे वो रिश्ता नहीं है जो उनके साथ का मेहनत से खट के खाने का है। ये है स्वाभिमान।
ये है पारस्परिकता। एक तरफ स्वाभिमान भी था, दूसरी तरफ पारस्परिकता के कारण उसको पवन जी के यहाँ खाने मांगने में संकोच भी नहीं था। ये दृश्य इतने नहीं, इतने अनेक दृश्य दिखाई पड़े हैं जो गांव की इस बात को बताते हैं। एक चीज़ आचार्य जी और भी कहते हैं, अभी जब अभी आंकड़े आएंगे, क्योंकि अभी तक तो मॉरेटोरियम चल रहा था, तो शायद इसमें हमारे बैंकों में और शायद कुछ गिरावट आए, कुछ लोन गए थे और कुछ अभी कमी आए, तो आप क्या कह रहे हैं? ये तो देखिए, बैंकिंग सिस्टम के प्रति उपेक्षा और उसको धोने वाली गाय समझकर उसके स्वास्थ्य की चिंता न करने का परिणाम अब आ रहा है। एनपीए है, डिफॉल्टर्स हैं, अब बैंक्स की अपनी समस्या है कि एनपीए का वो क्या करें, उसके लिए कई तरह के नैतिक अनैतिक प्रयास सब ओर से किए जा रहे हैं। उद्योगपतियों का अपना रोना है, अब वो ले लो कर्जा हमसे और फलाने लेकर के फलाने जगह से हमको वापस दे दो पैसा, जिससे हम एनपीए से बचे रहें। इतनी चीज़ें चल रही हैं, इसका हिसाब नहीं है। इसलिए दूसरा सोचिएगा इसमें, देखिए किसी भी देश की स्वस्थ इकोनॉमी में बैलेंस्ड इकोनॉमी का बहुत महत्व है। प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर, कृषि एंड अलाइड है, उद्योग है और सेवा क्षेत्र है, तीनों लगभग समान प्रपोर्शन में रहे तो स्वस्थ है मामला। आज जो स्थिति है, आपको मालूम ही है, 17% एग्रीकल्चर का योगदान होगा और 57% होगा सर्विसेज क्षेत्र का योगदान, कि इम्बैलेंस है। उसमें भी आप देखेंगे तो इंडस्ट्रीज के क्षेत्र का तो थैंक्स टू कोरोना और कठिनाई में इंडस्ट्रियल क्षेत्र गुजरता गया है। कैसे तैसे तो मानना पड़ेगा देशवासियों की जीवट का कि एमएसएमई के द्वारा अभी भी परफॉर्मेंस बरकरार है। कॉरपोरेट चिल्ला रहे होंगे, रोना रो रहे होंगे, लेकिन एमएसएमई के लोग अभी भी जिंदा हैं और तब सब तरह से काम कर रहे हैं। और जहाँ तक आपने पिछला सवाल पूछा था एनवायरनमेंट का, डिग्रेडेशन का, बाकी का, अभी पिछले दिनों एक रिपोर्ट थी कि पिछले 50 वर्षों में 60% बायोडाइवर्सिटी लॉस हुआ है भारत का, भारत में। आपको मालूम है भारत 2% लैंड मास है दुनिया का और 16% बायोडाइवर्सिटी की मिल्कियत है, वैराइटीज़ की भारत की। तो ये जो दुस्थिति आई है, ये विकास की गलत संकल्पना और गलत रास्ते अपनाने के कारण है। अब भारत को, अब आपको ऐसे ही बताता हूँ मैं, यूनाइटेड नेशंस की एक कमेटी ने 1953 में कहा कि अपना रास्ता छोड़ देना चाहिए, द्वितीय विश्व युद्ध में जो जीती हुई ताकतें हैं उनका अनुकरण करना चाहिए गरीब देशों को। उसके लिए ज़रूरी है कि अपनी विरासत, अपना इतिहास, अपनी सब बातें वो भूल जाएं, वो सब बोझ है, डेडवुड्स हैं, वो सब बैगेज छोड़ें, हमारा अनुकरण करें। अब यूनाइटेड नेशंस की उसी प्रकार की कमेटी ने 2012 में कहा कि हर देश का विकास पथ अलग अलग होगा, एक रास्ता नहीं हो सकता, वन साइज डज नॉट फिट ऑल, ये सब कहना शुरू किया। तो भैया 1953 से लेकर 2012 तक जो किया सत्यानाश, उसकी जिम्मेदारी कोई लेगा? कोई नहीं लेने को तैयार है। इसलिए इसमें से भारत आज भी भगवान की दया से सोशल कैपिटल और कल्चरल ट्रेडिशंस के कंटेक्स्ट में दुनिया में रिचेस्ट है। बायोडाइवर्सिटी की दृष्टि से आज भी जनमानस के कारण सब चीज़ें बची हुई हैं, कुछ भी जो बची हुई हैं। नहीं तो यूरोप अमेरिका तो हालत ख़राब है, वहाँ तो और लोग कष्ट में, क्या करें नहीं करें का पता नहीं चल रहा है उनको, क्योंकि नष्ट कर दिया उन्होंने पिछले 500 वर्षों में। भरपाई करना चाहते हैं तो भी 50 साल तो लगेंगे उसको। अभी इसमें एक और बात भी निकल कर आई है कोरोना के बाद, जैसे चाइना का जो अब कन्फ्रंटेशन रेगुलर हो भी रहा है, बॉर्डर पर भी चल रहा है, लेकिन इसमें एक बात उद्योग जगत के लिए भी कही जा रही है कि शायद काफ़ी उद्योग भारत में हमारे यहाँ लगेंगे, काफ़ी देशों से और भी यूरोप से भी जो लोग हैं अब चाइना ना जाकर हमारे भारत में अपने उद्योग लगाएंगे, तो आप इस बारे में क्या कहेंगे कि क्या भारत स्थिति बदलेगी? भारत इस सिचुएशन का लाभ ले सकता है बशर्ते हम ऑन आवर टर्म्स निगोशिएट करें, ऑन देयर टर्म्स नहीं। सेंटिमेंट इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत अच्छा रहे, अच्छा रहे के नाते से हम पलक पावड़े बिछा कर इंतज़ार करते रहे, ये ज़रूरी नहीं है। दुनिया को भारत की ज़रूरत ज़्यादा है, भारत को दुनिया की ज़रूरत कम है। इस आत्मविश्वास से इन आवर इंटरेस्ट ऑन आवर टर्म्स करेंगे तो हमको लाभ होगा।
लेकिन इसमें अगर ऐसे ही रहेंगे गलत फहमी में तो बात नहीं बनेगी, क्योंकि जो आएंगे भी ना वो आपके कल्याण के लिए तो आने वाले नहीं हैं। जहाँ से उनको जल्दी मुनाफा मिलेगा वहीं पर वो आएंगे, इसलिए जनहित का विचार वो क्यों करें। तो उसी टर्म्स में हम लोगों, जैसे छोटी सी बात बताता हूँ, देखिए एक्सपोर्ट इम्पोर्ट है, पालक है भारत में 10 रुपया किलो है मान लो, ठीक है, अब एक्सपोर्ट कर रहे हैं भैया, एक्सपोर्ट जब आप कर रहे हो तो ये भी समझो कि 1 किलो पालक के लिए आपको कम से कम 50 लीटर पानी लगता है, तो 50 लीटर पानी का दाम आपने जोड़ा है लागत में, जबकि यूरोप के लिए वाटर वैसी प्रेशियस कमोडिटी नहीं है। भारत में 100 दिन वर्षा होती है वर्ष में, और 100 घंटे वर्षा होती है उस 100 दिन में, और पूरे 365 दिन का काम चलाना पड़ता है। ये समझकर आप 50 लीटर का पानी का 1 किलो में उसका भी पैसा जोड़ दें तब एक्सपोर्ट करें, अब तो आपकी बुद्धिमानी हुई। वो भी क्यों दे रहे हैं, क्या हमारे देश के बच्चों को ताकत लेने की ज़रूरत नहीं है, क्या आयरन की ज़रूरत नहीं है, क्लोरोफिल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन उसकी जगह पर हम उनका हित साध रहे होते हैं अनजान में। इसलिए रैशनल, इसको कहते हैं भारत केंद्रित विचार हो, ये आवश्यक है, और इसके लिए नेता नौकरशाह थैलीशाह तीनों को ठीक ढंग से ओरिएंट होने की ज़रूरत है। आचार्य जी, एक चीज़ अभी जो करंट में बातें भी एक और भी चल रही है, जैसे अब हम देख रहे हैं डिस इन्वेस्टमेंट का अगर हम डाटा देखें, चाहे वो कांग्रेस की UPA सरकारें थी तो, और पहले जैसे अटल जी की सरकार भी उससे पहले थी, तो डिस इन्वेस्टमेंट का जो टारगेट है वो हर साल सरकार बढ़ा रही है, और पिछले 6 सालों में तो काफ़ी हद तक कह रहे हैं 10 गुना तक इसका टारगेट बढ़ गया है। तो अब जैसे अब प्रॉफिटेबल, जैसे BPSL की भी बात आ रही है, अच्छे अच्छे प्रॉफिटेबल PSUs को बेचा जाएगा, तो कहीं ना कहीं नौकरियों का भी इसमें कमी आएगी जिस तरह से हमारे, तो पिछले 50, आप क्या कहेंगे कि पिछले 50 वर्ष की ये कहानी है, और उसमें भी 25 वर्ष में तो सबसे सघन हुआ है। और डिस इन्वेस्टमेंट में जो लाभ में है आज उनको इसलिए बेच देना कि कल को वो घाटे में होंगी, मानो बहुत बड़े ज्योतिषी हैं, अरे उसको फायदे में रखा कैसे जाए इसका विचार करना चाहिए, न कि घाटे में होगी डर करके आज ही बेच दिया जाए। ऐसा बहुत हुआ है, ये इसमें सच्चता नहीं थी, इसलिए इसमें तो संदेह होता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, कौन लोग हैं वो जो अनप्रॉफिटेबल डील्स कर रहे हैं, उनकी अकाउंटेबिलिटी क्या है, ये देखने का काम है पॉलिटिकल लीडरशिप का, कहीं किसी की भी हो। जिस तरह से हमने देखा है MTNL एक बहुत प्रॉफिटेबल कंपनी थी और आज वो लॉस में, BSNL का क्या हुआ था, ऐसे ही दृश्य दिखाई पड़ा। ऐसे ही आप सभी क्षेत्रों में देखेंगे, ट्रांसपोर्ट में देखेंगे, कम्युनिकेशंस में देखेंगे, एयरवेज का देखेंगे, सब जगह का देखेंगे। तो उसको ठीक ढंग से ट्यून करने की बजाय, टोन करने की बजाय, हम अपने ढंग से अपने विम्स एंड कैप्रेसिस के आधार पर सोचेंगे तो कैसे चलेगा। आचार्य जी, आपने काफ़ी समय दिया है पॉलिटिक्स को भी, आपने काफ़ी गौर से देखा है और काफ़ी उसमें आप शामिल भी रहे उनके, आप देश को आप जिस दिशा में देख रहे हैं, आप क्या इस बात से सहमत हैं कि जिस तरह से आप जिस जब आपने शुरुआत की थी और आज जहां भारतवर्ष हमारा है, तो आपको क्या लगता है कि आपकी जो उम्मीदें थी और जिस तरह से आप भारतवर्ष को देखते थे, क्या आप सही पाते हैं उसमें, अभी आप चाहते हैं कुछ काफ़ी चीज़ें? मैं मानता हूँ कि मिक्स्ड बैग है, लेकिन बहुत आत्मविश्वास से कहा जा सकता है कि भारत अच्छा और परफॉर्म करने की स्थिति में तो है। अब आप गौर करिए कि 3 प्रकार की खुमारी से भारत का समाज उभर रहा है। एक है विभाजन की खुमारी, दूसरा है खोखले समाजवाद के अवधारणा की बीमारी, और तीसरा है उपनिवेशवाद की बीमारी। तीनों से उबर तो रहा है, उसी की तरफ वापस न लौटे, जड़ों की ओर तो लौटना है, लेकिन आज के संदर्भ में समयानुकूल ढंग से सोचकर लौटना है, ये ध्यान में रखना बहुत जरूरी है, नहीं तो विनायकम प्रकुर्वाणो रचयामास वानरः की स्थिति बनने की आशंका भी है। लेकिन भारत में संभावनाएं बहुत हैं, पूरी दुनिया को दिशा देने की संभावना, क्षमता, पोटेंशियल केवल और केवल भारत में है। उसके पीछे इसकी संस्कृति बहुत बड़ा कारण है,
धर्मप्राण जनता इसका बहुत बड़ा, धर्मप्रवण व्यक्ति इसका बहुत बड़ा आधार है। समाज में नैतिकता की स्वयमेव पीढ़ी दर पीढ़ी की जो संकल्पनाएं निस्सृत होती गई हैं वो इसकी अपनी ताकत है। कल्चरल कैपिटल सबसे बड़ी ताकत है। सोशल कैपिटल कल्चरल ट्रेडिशंस का मिलाकर होता है कल्चरल कैपिटल। किसी भी देश के इकोनॉमिक डेवलपमेंट या ओवरऑल परफॉर्मेंस के बारे में डिसाइसिव फैक्टर अगर है तो वो ये है। इसलिए हम इस विषय में विश्वस्त हैं, केवल बैठे रहने से काम नहीं चलेगा, हमको प्रयास करना पड़ेगा। जैसे भारत की बहुत बड़ी विशेषता है, गौर करिएगा, वेद लक्षणा गौ माता। बाकी की गौवें गौवें हैं कि उसकी A1 मिल्क होता है, A2 है भारत की देशी गाय। गंगा जी के जल का दुनिया में कंपैरिजन नहीं कर सकते बैक्टीरिया फॉसे के कारण, क्योंकि हिमालयन आल्टीट्यूड स्लोप और बहने के जल की वेलोसिटी, फलतः फ्रिक्शन, फलतः बैक्टीरिया फॉसे, उसके कारण सेल्फ क्लीनिंग कैपेसिटी और सेल्फ मल्टीप्लिकेशन की क्वालिटी। अब गंगा जी और गौ माता के इस वैशिष्ट्य को समझकर केवल उसको वाटर रिसोर्स या केवल नेचुरल रिसोर्स समझना ये नासमझ ही है। उनके प्रति तो जो अन्याय है वो तो है ही। आपने गंगा की बात की तो अभी जिस तरह से बात भी आ रही है, तो जितना आज कह रहे हैं सदियों से लोगों ने पानी नहीं देखा होगा, गंगा का स्वच्छ पानी इतना स्वच्छ है कि उसमें तस्वीर देख सकते हैं, और जो आप कह रहे हैं कि स्वच्छ और साथ में उसमें अविरल भी होना चाहिए। मेरा मानना है कि प्रवाह में 70% जल हर मौसम में गंगा के प्रवाह में होना चाहिए, केवल 30% जल बाहर सिंचाई या अन्य जगहों के पेयजल के लिए जाना चाहिए, तब वह नदी स्वस्थ रहती है। जैसे मनुष्य शरीर में एक हद से ज़्यादा रक्त निकाल देने से शरीर रोगी बन जाता है, वैसे ही नदियों का भी है। प्राकृतिक प्रवाह बना रहे, एनवायरमेंटल फ्लो भी एश्योर हो, 70% पानी प्रवाह में रहे, दूसरा एनक्रोचमेंट ना होने दिया जाए। उसके लिए ज़रूरी है, सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्टिव दिया था एक बार कि तट के दोनों ओर हाईएस्ट फ्लड लेवल के पार 500 मीटर मिलाकर जो ज़मीन हो उसको रेवेन्यू रिकॉर्ड में नदी की ज़मीन के नाते रिकॉर्ड किया जाए, तब तो एनक्रोचमेंट परिभाषित हो पाएगा, तब तो काउंटर आगे की बात होगी। ऐसी दो बातें कोर इश्यू है नदियों के संदर्भ में, ऐसा मुझे लगता है। अच्छा जी, अभी करंट में अगर हम बात करें, कई राज्य सरकार भी अभी अपने कुछ निहित स्वार्थ में काम करती हैं। जैसे अभी हमने महाराष्ट्र का एग्जांपल देखा, काफ़ी विरोध पूरे भारतवर्ष में और इवन 161 देशों से भी काफ़ी आलोचनाएँ हुई महाराष्ट्र सरकार की। तो सरकारें जब इस तरह से कार्य करती हैं और आप जैसे देखते हैं कि इस तरह से जिस तरह से आपने अपना कार्य किया और जिस तरह से आप अपने वक्तव्य देते रहे किस तरह से, तो आपको क्या लगता है कि इस तरह से आज भी क्या हिंदुस्तान में इस तरह से राज्य सरकारें या सरकार के जो कार्य होते हैं, क्योंकि वो तो लोगों के लिए, लोगों की सेवा के लिए सरकार आती हैं, लोगों के कार्य के लिए आती हैं, तो आपको, आप क्या कहेंगे, क्या इस तरह से सरकारें चलनी चाहिए जिस तरह से आज हमने महाराष्ट्र का ही अभी हमने विरोध देखा अभी? ये दलीय राजनीति और बाकी को जिस तरह से मैं देख रहा हूँ, बहुत बड़े इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर्स का ध्यान न रखते हुए हम सत्ता और दल की राजनीति को शॉर्ट साइटेड ढंग से देख रहे हैं, एडहॉक ढंग से देख रहे हैं। भैया, स्थिति तो ये बन रही है कि टेक्नोलॉजिकल जेंट्स के द्वारा संपूर्ण राजनीति को निर्देशित करने की स्थितियाँ बन रही हैं। जैसे फेसबुक के बारे में पिछली बार आरोप लगा था, अमेरिकन इलेक्शंस के बारे में, भारत के इलेक्शंस के बारे में भी आरोप लगे हैं, गार्डियन में छपा था, फिर अभी वॉल स्ट्रीट जर्नल में छपा है। ये बहुत बड़े संकट हैं कि ये जो टेक्नोलॉजिकल कंपनीज हैं इनको छुट्टा साढ़ के नाते अनुमति देना और देश के कानून के मातहत लाने की कोशिश न होना, इसके कारण कौन सा दल कब क्या, सब दलों का लगभग बहुत कहाँ फर्क सा दिखाई पड़ता है। इसलिए सत्ता की आपाधापी में लगे हुए गुट हैं इतना हर चित्र बनता है। इसलिए इससे परे उस आ रहे तूफान को गेज करना, अभी से उसके साथ बाड़बंदी और प्रतिरक्षा की बात करना और उनको लगाम लगाना,
ये बहुत बड़ा काम है, मैं मानता हूँ। नहीं तो पार्टी राजनीति कौन बनता है, सीएम कौन बनता है, और कुछ इससे बात नहीं बनने वाली है। क्योंकि सब अगर वे ही फाइनल डिसीजन करते होंगे, वही ट्रिगर करेंगे, वही ट्रबल शूटर्स रहेंगे, और वही ओपिनियन बिल्ड करेंगे, वही माइंड कंडीशनिंग करेंगे, तो बाकी पॉलिटिकल पार्टीज का क्या है? वातावरण तो वो बनाएंगे कह रहे हैं। और जिस तरह से इंटरनेट एजेंसीज, इंडिपेंडेंट एजेंसीज और बड़े टेक्नोलॉजिकल जाइंट्स हैं, उनका जो चल रहा है चलन, उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। उसमें लीगल एस्पेक्ट भी है, सॉवरेनिटी का एस्पेक्ट भी है, सिक्योरिटी का एस्पेक्ट है, प्राइवेसी का एस्पेक्ट है, टैक्सेशन का एस्पेक्ट है। इन सभी के बारे में देखकर ठीक ढंग से किया गया तब तो गवर्नेंस का कुछ अर्थ रहेगा, नहीं तो गवर्नेंस फॉर देम होने का खतरा है जिसका लाभ नहीं होगा। आचार्य जी, जिस तरह से पॉलिटिक्स चल रही है, इसमें कॉर्पोरेट्स भी आ गए हैं, सब सब लोग आ गए हैं, लेकिन अगर भारतवर्ष को आगे चलाना है, जिस तरह के आपके विचार हैं, आगे की जो नई जनरेशन आ रही है, तो कैसे उन तक पहुंचा जाए, और आपके विचार जो हैं वो नई जनरेशन उनको समझे, देश को हम फिर से गुलामी की तरफ ना ले जाएं, तो इस तरफ तरफ आप नए युवाओं को आप हमारे देश के क्या कहना चाहेंगे? हमारे विचार जैसे बनते चले गए थे, उसमें से ही मुझे लगा था कि पार्टी की राजनीति, सत्ता की वर्तमान राजनीति से परे होकर कुछ और करने की ज़रूरत है। तब मैंने 20 साल पहले छुट्टी ली थी, और फिर अध्ययन और अध्यात्म 2 साल तक लगा रहा, बाद में अपने रास्ते में चल पड़ा। आपकी जानकारी के लिए, अब रास्ते चल पड़ा हूँ तो मेरे दिमाग में है कि देश में 127 इको एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स हैं। इसके अनुसार एक एक डिज़ायर्ड डेवलपमेंट पैटर्न का इच्छित विकास मानकों के साथ चित्र खड़ा करना, हर जोन में एक एक सेंटर तो नोडल बन पावे, फिर जो ज़िलों में काम कर रहे हैं लोग, ऐसे 2000 सक्सेस स्टोरीज को डॉक्यूमेंट करना, और वे बाकी के लिए रिसोर्स पर्संस का रोल प्ले करें, इस स्थिति में लाना। और देश भर में एक्टिव ग्रुप्स हैं, तो उसमें से 10,000 ग्रुप्स की मेलिंग लिस्ट बनाना, फिर हमारा गांव, हमारा देश, हमारा ज़िला, हमारी दुनिया, इस ट्रैक पर चलना, और इसके अनुसार ज़िला विकास संगम करना, जिसमें ज़िले के ऐसे सारे लोग जो किन्हीं भी विचारधारा के हों, किन्हीं पॉलिटिकल एफिलिएशंस के हों, वो इकट्ठा आना और डिस्कशन से सहमति बनाकर एक दूसरे का सहयोग करना, ये चित्र खड़ा हो जाए, वही इस दलीय सत्ता राजनीति की सीमाओं को निर्धारित करेगा, और वही इसमें समाज के काम आएगा, ऐसा सोचकर हम लोग लगे हुए हैं। अब इसमें जितना हो पाएगा जरूर अच्छा होगा। बहुत अच्छा आपने बताया, ऐसा चित्र हमारे भारत में बने और आने वाले समय बने। और एक साथ एक लास्ट में मैं आपसे सवाल और करना चाहूँगा कि जो आज के परिप्रेक्ष्य में आप जो देख रहे हैं, और हमारे भारतवर्ष के बारे में आप कुछ, हमारी भारत की जनता को भी कुछ कहना चाहिए, और काफ़ी समय में आप लोगों से कम रूबरू होते हैं तो लोग आपसे सुनना भी चाहते हैं, तो हम ये भी आपसे कहूँगा कि आप कम समय में थोड़ा जल्दी जल्दी लोगों के साथ रूबरू हुआ करें। हम मानते हैं 4-5 बातें। देखिए, एक तो पहली बात है कि अब भारत को राम मंदिर से राम राज्य की ओर बढ़ना है, और राम राज्य का मतलब है समग्र विकास, जिसमें भौतिक विकास भी सम्मिलित है। राम राज्य में न कोई भूखा न कोई नंगा, बाप के जिंदा रहते बेटे की मौत नहीं होती थी, और राम राज्य में माल से बाजार पटे हुए थे, दाम किसी चीज़ का कुछ नहीं था, ग्राहक अपने ज़रूरत को समझकर आवे और बाज़ार से अच्छी से अच्छी चीज़ उठा ले अपने लिए, यही उसका दाम वसूल हुआ, ऐसा वो मानता था। अभाव की स्थिति नहीं थी, और जो पर्याप्त एबंडेंस की स्थिति थी, नदियाँ सदा नीरा थी, कूप तड़ाग वापी सरोवर सब जल से परिपूर्ण थे, फलों के पेड़ लदे हुए झुके हुए थे, सागर रतन उड़ेल कर जाता था, वो रतन प्राचीर और फुटपाथ पेवमेंट्स पर जड़े हुए थे, और इसका आधार था सब जन करहीं परस्पर प्रीति, एकात्म समाज था। और ये सब होकर भौतिक समृद्धि ही सब कुछ नहीं है,
तो संस्कृति की थाली में समृद्धि का व्यंजन परोसने की स्थिति थी, और इसमें फंसना नहीं है मन, इससे परे जीवन का लक्ष्य है, तो उदात्त जीवन लक्ष्य, ये सब मिला के होता है देखिए राम राज्य। यही है प्रकृति केंद्रित विकास, यही है गांधी के हिंद स्वराज में लिखी हुई बात। तो इस दिशा में बढ़ना है हम लोगों को, ये ध्यान रखें। तो उसके लिए पहली जरूरत है भैया, बदलाव उतना ही होता है जितना बदलाव चाहने वाले अपने अंदर बदलाव कर पाते हैं। ऐसे में चार पांच चीज़ें छोटी छोटी बात है। एक, जाति क्षेत्र भाषा संप्रदाय के ऊपर उठकर एक राष्ट्र एक जन एक संस्कृति को जीवनचर्या में लाना। दो, चाहत से देसी जरूरत से स्वदेशी मजबूरी में विदेशी चीज़ों का इस्तेमाल होना। तीन, मनुष्य प्रकृति का विजेता नहीं, प्रकृति का अंग है, इसलिए इको फ्रेंडली टेक्नो इकोनॉमिक ऑर्डर यही जरूरी है, ये प्रतिपादन होना। चौथा, मातृत्व के गुण के कारण नारी को माता का स्थान विशेष स्थान आदर का मिलना। पांचवा, खाओ पियो मौज करो मर जाओ से परे भी जिंदगी का मकसद है। और छठा, जो कोई भी काम हम करें उसमें परफेक्शन लाने की कोशिश करें। मेरा सोचना है कि इतनी सब बातें करें फिर हमारा गांव, हमारा देश, हमारा जिला, हमारी दुनिया, सबको भोजन सबको काम, यही राम राज्य की शुरुआत होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी, आपकी बातों से हमने आज बहुत कुछ सीखा, और मैं शायद जो भी इस वीडियो को देखेंगे और इसको अपने जीवन में अपनाएं, यही कामना के साथ आचार्य जी आपसे विदा लेते हैं, फिर एक बार कभी आपसे रूबरू होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।